कोहराम 1991 पर रिलीज हुआ हिंदी एक्शन क्राइम फिल्म है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है वह धर्मेंद्र, चांकी पांडे और पूनम। फिल्म में हम अरुणा ईरानी, अमरीश पुरी और सदाशिव आम्रपगार को देखेंगे। फिल्म की जो कहानी है ऐसे शुरू होती है कि हम देखते हैं कि रामेशपुरी गांव है और इस गांव में राज करती है ठाकुर जो है अमरीश पुरी और कालिया जो है सदाशिव आम्रपगार। वो लोग गाँव में बहुत अत्याचार और अभिचार करती रहती है और हम देखते हैं कि गांव में एक साथ सामान्य मास्टर जी रहती है जो है विनोद मेहरा और वो अपने गांव वालों को शिक्षित करना चाहती है और उनकी भला चाहती है। हम देखते हैं कि ठाकुर को ये पसंद नहीं होती है और वो मास्टर जी को कालिया की डाकू बहनी लेकर मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जी की छोटे भाई अर्जुन जो है धर्मेंद्र को ये सहन नहीं होती है, वो अपने भाई की हत्या की प्रतिशोध लेने के लिए कालिया को एक कुड़ाली मार देती है। बट कालिया यह पर बच जाती है और अर्जुन को पकड़ लेती है। हम देखते हैं कि अर्जुन बच जाती है और भाग जाती है। हम देखते हैं कि मास्टर जी की पत्नी दुर्गा जो है अरुणा ईरानी और उनकी तीन बेटे जो है विक्की, विशाल और विजय। दुर्गा अपनी तीनों बेटियों को लेकर गांव छोड़कर चली जाती है और ये प्रतिज्ञा करती है कि वो अपनी बेटियों की इतना सख्त और मजबूत बनाएगी कि वो फिर जब गांव में लौट कर आएगी तब वो ठाकुर और कालिया के ऊपर प्रतिशोध लेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि साल बीत जाती है, अर्जुन भी अपनी भाभी और भाई की बेटियों को बहुत याद करती है और हम देखते हैं कि दुर्गा भी अपनी तीनों बेटियों को लेकर गाँव में फिर लौट आती है। गांव में आने के बाद दुर्गा के एक बेटे विजय जो है चांकी पांडे वो प्यार कर बैठती है गांव के मुनीम जी की बेटी पूनम जो है धनु के साथ और हम देखते हैं कि ऐसी कहानी चल रही होती है और ठाकुर गांव की पंडित की बेटी के साथ जो जबरदस्ती करना चाहती है और यहां पर अर्जुन आती है और ठाकुर को मार देती है और हम देखते हैं कि ठाकुर को मारने की वजह से कालिया उसकी प्रतिशोध देने आती है और गाँव में कोहरा मचा देती है और वो मास्टर जी की पत्नी दुर्गा को उठाकर ले जाती है। हम देखते हैं कि दुर्गा के तीन बेटे कालिया की आस्थाना पे जाते हैं और यहाँ पर जाके वो कालिया की डाकू बहनी के साथ लड़ाई करती है बट उन लोग नहीं पाते और डाकू बहनी को उन लोगों को पकड़ लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन अपने 200 घोड़ों को लेकर आती है कालिया की आस्थाना पर और यह पर आकर वो भी कोहरा मचाती है और कालिया की सारी डाकुओं को मार देती है और अपने तीनों भाई की बेटियों को मुक्त कराती है। सभी मिलकर कालिया को पराजित करती है और उसे मार देती है और हम देखते हैं कि ऐसे ही सभी अर्जुन और दुर्गा की तीनों बेटियों की मिलन होती है और समाप्त होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।